हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर वेलकम्स यू ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द यूनिट नंबर 1 इज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कोडिंग मेथड्स. इन दिस वी आर कवरिंग दिस टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. नाउ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू कवर दिस टॉपिक, यानी ये टॉपिक कवर करने के लिए हमारे पास पहले से कौन सा नॉलेज होना ज़रूरी है. इन द प्रीवियस सेमेस्टर यू हैव कम्प्लीटेड एनालॉग कम्युनिकेशन, यानी आपने पिछले सेमेस्टर में एनालॉग कम्युनिकेशन ये टॉपिक पढ़ा है, तो आपको एनालॉग कम्युनिकेशन का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है. एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब उसकी ब्लॉक डायग्राम में, जैसे कि सिग्नल होता है, फिर ट्रांसमीटर होता है, फिर चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर लास्टली डेस्टिनेशन होता है, फिर नॉइज़ कैसे ऐड होता है, एंड लास्टली द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन एनालॉग कम्युनिकेशन. मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं, AM, FM एंड PM, तो इनका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. नाउ द कोर्स आउटकम, आप लोगों को अभी अच्छी तरह से पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्स आउटकम, मींस ये पूरा जो सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन, ये कवर करने के बाद हम क्या क्या सीखने लायक हो जाएंगे. तो यूनिट 1 सीखने के बाद ये जो रेड लाइन में मैंने बोल्ड किया है, ये पार्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं. यूनिट 2 कम्प्लीशन पे हम सेकेंड नंबर वाला पॉइंट कम्प्लीट कर सकते हैं. थर्ड पे यूनिट नंबर 3 के कम्प्लीशन पे हमें एक्सपेक्टेड है कि हम ये सारी चीज़ें करने के लायक हो जाए. यूनिट नंबर 4 के कम्प्लीशन पे हम मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द डिजिटल सिस्टम हमको आना चाहिए. और लास्टली 5th यूनिट कम्प्लीट करने के बाद वी विल बी एबल टू मेंटेन द स्प्रेड स्पेक्ट्रम बेस्ड सिस्टम. तो अभी हम फिलहाल यूनिट नंबर 1 पे चल रहे हैं, इसीलिए वी विल बी एबल टू कम्प्लीट एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये हमारा कोर्स आउटकम है, और ये है यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स आउटकम वर्सेस प्रोग्राम आउटकम का मैपिंग. अब पहले के आप लोगों ने स्लाइड में देखा होगा कि देयर आर 10 प्रोग्राम आउटकम्स, लेकिन अभी जो रिवाइज रूल्स हुए हैं, AICTE के जो नॉर्म्स हैं, उसमें फाइनली 7 ही प्रोग्राम आउटकम है. 7 प्रोग्राम आउटकम का मतलब है कि पूरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद हम में क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, तो वो ये पूरे प्रोग्राम आउटकम में दी गई हुई है. और ये हमारा CO है कि ये हम पहला यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्वालिटी जनरेट होनी चाहिए. तो यहाँ पे दिया गया है COPO मैपिंग, सो दैट CO नंबर 1 के कंप्लीट होने के बाद हम PO नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं, PO नंबर 4 को, PO 6 और PO 7. एज दिस पार्ट इज़ डिपेंड ऑन द कोडिंग एंड मेंटेनेंस, इसलिए हम PSO दैट इज़ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को भी सेटिस्फाई करते हैं. लेकिन ये जो 3 और 1 दिया है, दीज आर द लेवल्स, यानी किस लेवल पे, 3 है तो हाईएस्ट लेवल और 1 है तो थोड़ा लोअर लेवल पे हम सेटिस्फाई करते हैं. नाउ द लर्निंग आउटकम्स मीन्स ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं, इसको कवर करने के बाद हम क्या सीख सकते हैं. सो वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, बेसिक लेवल पे हमको डिफरेंस पता चलेगा. इसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे. नाउ सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है कि जो इन दोनों को डिफरेंट अपना आइडेंटिफिकेशन देती है. तो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है या जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, वो एनालॉग नेचर में होती है. एनालॉग का मतलब इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव. लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में जो मेन इंफॉर्मेशन हम ट्रेवल कैरी करते हैं, वो डिजिटल के फॉर्म में होती है. डिजिटल का मतलब होता है 1 and 0s के फॉर्म में. तो 1 का मतलब होता है हाई लेवल, 0s यानी लो लेवल, फिर से 1 यानी हाई लेवल, 0 यानी लो लेवल. तो 1010 के फॉर्म में हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है. अब ये जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है एनालॉग में, ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर.
है ना। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर है ये यहाँ पे भी एनालॉग होता है और डिजिटल सिस्टम में भी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर जो होता है वो एनालॉग के फॉर्म में ही होता है। यानी कैरियर जो सिग्नल होता है वो साइन वेव की फॉर्म में ही रहेगा एनालॉग में भी, और डिजिटल में भी वो साइन वेव की फॉर्म में ही रहेगा। सिर्फ हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी इन्फॉर्मेशन वाला सिग्नल एनालॉग में साइन वेव की फॉर्म में होता है और डिजिटल में स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है। सो दिस इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। अब हम क्यों मॉड्यूलेट करते हैं, उसको क्यों हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ भेजते हैं, वो चाहे डिजिटल सिग्नल रहे चाहे एनालॉग सिग्नल रहे, इसके रीजंस हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखने ही वाले हैं। लेकिन अभी आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया है कि एनालॉग में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एनालॉग के फॉर्म में होती है और डिजिटल में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये डिजिटल के फॉर्म में होती है। अब ये डिजिटल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कभी भी जो भी होगी वो हमेशा एनालॉग के फॉर्म में ही होती है, फिर हम उसको एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा टॉपिक हमको इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट एनालॉग सिस्टम। अभी मैंने कहा कि डिजिटल सिस्टम को सबसे पहले पढ़ने के पहले हमारे पास इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, कि एनालॉग सिस्टम में सोर्स होता है यानी इन्फॉर्मेशन या मैसेज होता है जो कि हम ट्रांसमीटर से भेजते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन होता है जो हम एक चैनल के थ्रू भेजते हैं। चैनल यानी वायर, केबल या वायरलेस चैनल भी हो सकता है, थ्रू एयर हो सकता है। इसके बाद में रिसीवर होता है जहाँ पे डीमॉड्यूलेशन वाली एक्शन होती है, यानी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को कैरियर के साथ ऐड करना और रिसीवर में कैरियर को सेपरेट कर देना और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को डेस्टिनेशन पे पहुँचना। तो ये सारा सिस्टम हमने एनालॉग में पढ़ चुके हैं। सो एनालॉग में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एनालॉग के फॉर्म में होती है, अगर हमने उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया तो एम्पलीट्यूड में चेंजेस होंगे कैरियर के अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनल सिग्नल। अगर हमने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया तो कैरियर के फ्रिक्वेंसी में चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट, हम डिजिटल सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन की जगह पे? सो देयर आर थ्री बेसिक रीजंस व्हाई वी यूज़ डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर दिस एनालॉग कम्युनिकेशन। तो पहला है इफेक्ट ऑफ नॉइस, दूसरा है डिस्टेंस टू बी कवर्ड, और तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर। अब इफेक्ट ऑफ नॉइस का मतलब, नॉइस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में नॉइस यानी एरर सिग्नल, ठीक है। तो एरर का क्या क्या असर हो सकता है एनालॉग पे और वो कैसे रिकवर किया जा सकता है डिजिटल में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में एनालॉग सिग्नल जो होता है वो बहुत कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाता है, थोड़े डिस्टेंस पे ही वो उसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो जाते हैं, उसमें नॉइस ऐड हो जाता है। इसका मतलब जब तक वो डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा उसकी जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन वो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम कैसे उसको बरकरार रख सकते हैं या उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर, तो डिजिटल डेटा सिस्टम से ट्रांसमिशन होने वाले ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो डिजिटल पे बेस्ड होते हैं वो बहुत सारे सर्विस को चला सकते हैं, इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे इनको। तो पहला है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में जो होता है वो सिग्नल का शेप अब हमको पता है कि वो साइन वेव होता है, और जैसे ही उसमें नॉइस ऐड हो जाता है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, यानी वहाँ पे डिस्टॉर्शंस ऐड हो जाते हैं। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में जो ओरिजिनल हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो वन एंड ज़ीरोस के फॉर्म में होता है, यानी डिजिटल डेटा के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये सिग्नल पे नॉइस का ज़्यादा असर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो ओरिजिनल सिग्नल को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर मोर इम्यून टू नॉइस। मोर इम्यून टू नॉइस का मतलब, अभी आप लोगों को पता है कि कोविड के सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, हम कहते हैं इम्यूनिटी यानी अंदरनी शक्ति, तो वैसे ही डिजिटल कम्युनिकेशन का जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उस पे एरर का असर नहीं होता, वो ओरिजिनली ही इम्यून होता है नॉइस के लिए।
इसके बाद में डिस्टेंस टू बी कवर्ड। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को अगर मुझे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है तो बहुत बार क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जगह जगह पे रिपीटर्स लगा सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल हम रिपीटर तक पहुँचाएंगे, रिपीटर क्या करता है, जो भी नॉइस ऐड होता है उस सिग्नल में उस नॉइस को हटा देता है और उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और वापस उसको सेंड करता है डेस्टिनेशन तक। तो इसका मतलब हम डिजिटल कम्युनिकेशन में रिपीटर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिपीटर्स हम एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जो नेटवर्क्स डिजिटल डेटा पे डिपेंड करते हैं, जो डिजिटल डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ऐसे सारे नेटवर्क्स में हम डिजिटल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। जैसे आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, रडार सिस्टम्स हो गया, इन सभी जगह पे हम डिजिटल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो ब्लॉक डायग्राम हम पहले देख चुके हैं वो एनालॉग की देख चुके थे, अभी डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे हमने दिया है कि सबसे पहले सोर्स होता है, यानी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, फिर इस सोर्स को सोर्स एनकोडर के थ्रू, अब सोर्स कौन से कोड में होगा, डिजिटल डेटा में, यानी वन एंड जीरोस के फॉर्म में। सोर्स एनकोडर क्या करता है, इस वन एंड जीरोस के फॉर्म को और एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देता है ताकि हम उसकी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैनल एनकोडर, चैनल यानी वायर या केबल, चैनल का मतलब आपके दिमाग में पक्का हो जाना चाहिए कि ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, तो वायर भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है, वायरलेस चैनल भी होते हैं। तो ये चैनल को इनकोडिंग करना, यानी चैनल को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सो दैट हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके, इसलिए चैनल एनकोडर क्या करता है, इसमें जो सोर्स एनकोडर का आउटपुट होता है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा बिट्स वो ऐड कर देता है। इस एक्स्ट्रा बिट्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए उनको रिडंडेंट बिट कहा जाता है, वो जस्ट फॉर प्राइवेसी या उसका मेंटेन करने के लिए, सिग्नल का स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हम चैनल एनकोडर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं। मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को ऐड करते हैं इस सिग्नल के साथ में, इसलिए फास्ट ट्रांसमिशन हो सके। इसके बाद ट्रांसमीटर एंटीनास के थ्रू हम उस सिग्नल को भेज देते हैं और वो वायर में से या केबल में से, यानी चैनल में से जाएगा। इसके बाद में वो रिसीवर एंटीना के पास आएगा। अब रिसीवर का काम क्या होता है, जो भी हमने हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को वहाँ पे ऐड किया था ट्रांसमीटर में, उस कैरियर को वापस निकाल लेना, यानी डीमॉड्यूलेट करना, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को वापस पाना। इसके बाद में चैनल डिकोडर क्या करेगा, जो हमने चैनल एनकोडर में एक्स्ट्रा बिट ऐड किए थे जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसे एक्स्ट्रा बिट्स को वो निकाल लेगा। इसके बाद में सोर्स डिकोडर का मतलब क्या है, सोर्स एनकोडर के एग्जैक्टली अपोजिट काम वो करेगा। यहाँ पे सोर्स में जो एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड किए थे सोर्स एनकोडर में, वो सोर्स डिकोडर क्या कर देगा, वहाँ से निकाल लेगा और डेस्टिनेशन पे क्या पहुँचेगा, फिर जो हमने सोर्स में से ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो सेम हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन में मिलेगी। तो इतने सारे प्रोटेक्शन कवरिंग हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में लगाए हैं, इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे हर एलिमेंट का इम्पॉर्टेंस दिया है कि सोर्स एनकोडर का मतलब क्या होता है, जो कि डिजिटल आउटपुट को एक अलग ही डिजिटल आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी एक डिजिटल डेटा को दूसरे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, इसकी वजह से हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सोर्स डिकोडर का काम मैंने बताया एग्जैक्टली अपोजिट होता है सोर्स एनकोडर के, जो हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड किए रहते हैं वो वहाँ से निकाल देगा। सोर्स कोडिंग का मतलब होता है कि सोर्स कोडिंग हम क्यों करते हैं, कि जिसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ हमें कम लगे और हमारा रिडंडेंसी जो चेक होता है, रिडंडेंसी रिड्यूस होती है, यानी जो एक्स्ट्रा बिट एडिशन जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद चैनल डिकोडिंग का मतलब मैंने बताया कि चैनल एनकोडिंग और डिकोडिंग ये दोनों पार्ट चैनल कोडिंग के हैं, तो चैनल एनकोडिंग क्या कर देता है, एरर्स को मिनिमाइज कर देता है, यानी चैनल में जो भी नॉइस इंट्रोड्यूस होता है या एरर इंट्रोड्यूस होता है, अगर आप देखिए वायर अगर ब्रेक होता है किसी सिस्टम में तो वहाँ से सिग्नल लॉस हो सकता है या हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। आप बोलते हैं ना कि अगर आवाज़ करेक्ट नहीं आ रही है या पिक्चर करेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं वायर तो ब्रेक नहीं हो गया है, इसका मतलब नॉइस वहाँ पर ऐड हो रहा है। तो चैनल
कोडिंग क्या करता है, चैनल एनकोडिंग क्या करता है कि ये नॉइज़ ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा बिट्स उस वहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद में चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है चैनल एनकोडर के। वो जो एक्स्ट्रा बिट हमने चैनल एनकोडर में ऐड किए थे उसको वापस वो निकाल लेता है, नॉइज़ को रिमूव कर देता है, ताकि हमको ओरिजिनल साउंड या ओरिजिनल पिक्चर या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें डेस्टिनेशन पे मिले। इसके बाद मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, या आप एनालॉग कम्युनिकेशन में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेटर जो है वो एफिशिएंट ट्रांसमिशन यानी फास्ट वे में ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है, और डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो मॉड्यूलेशन के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। जितना फास्ट वे में हमने भेजा है, जितना उसको में कैरियर ऐड किया है, वो कैरियर को वो वापस निकाल लेता है, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें डेस्टिनेशन पे मिलता है। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक। अब आपको पता चल गया है कि हमने बेसिक डिफरेंस देखा एनालॉग और डिजिटल में। तो एनालॉग में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन साइन वेव के फॉर्म में होती है, दैट इज़ एनालॉग फॉर्म में होती है, लेकिन डिजिटल में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये वन एंड जीरोज यानी स्क्वेयर वेव के फॉर्म में होती है। इसके बाद में एनालॉग सिग्नल ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है, और डिजिटल सिग्नल ये डिस्क्रीट सिग्नल कहा जाता है। 1010 को डिस्क्रीट सिग्नल कहा जाता है, जो कि कंटिन्यूएशन में नहीं है, ठीक है। फिर हमने ब्लॉक डायग्राम देखा डिजिटल कम्युनिकेशन में, जिसमें था सोर्स एनकोडर, उसके बाद चैनल एनकोडर, उसके बाद था मॉड्यूलेटर, उसके बाद एंटीना, फिर चैनल, उसके बाद डीमॉड्यूलेटर, फिर हमने रिसीवर एंड पे जो चैनल डिकोडर देखा, फिर सोर्स डिकोडर देखा, और उसके बाद में लास्ट में डेस्टिनेशन देखा, और उन सभी ब्लॉक्स के हमने फंक्शन भी देखे। फिर लास्टली हमने एडवांटेजेस देखे कि डिजिटल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है एनालॉग सिस्टम के ऊपर में। तो हमें पता चला कि डिजिटल सिस्टम्स आर मोर इम्यून टू नॉइस, यानी नॉइस का इफेक्ट डिजिटल सिस्टम पे बहुत कम होता है। इसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रिपीटर्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी नेटवर्क्स डिजिटल डेटा को सपोर्ट करते हैं, वो सारे सर्विसेज में हम डिजिटल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप यू माइट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक कम्युनिकेशन चैनल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब मैंने अभी बताया कि जैसे वायर, केबल, बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, अंडर वाटर हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ डेफिनेशंस क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।